कल हम लोग 6.1 डिस्कस कर चुके थे, आज हम लोग 6.2 करेंगे, ठीक है। देखो 6.2 जो है थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के विलोम से ही बनेगा, तो थ्योरम को जरूर देखना, ठीक। तो आज क्वेश्चन नंबर एक हम कर रहे हैं 6.2 का, क्वेश्चन नंबर एक ध्यान से देखना क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी और सी है, एक त्रिभुज जिसका नाम ए बी सी है, उसमें एक रेखा डी ई जो है वह त्रिभुज ए बी सी को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि भुजा ए बी को डी पे जबकि भुजा ए सी को कहां प्रतिच्छेद करती है, ई पे प्रतिच्छेद करती है। इसका वैल्यू दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दिया गया है 1 सेंटीमीटर, यह है 3 सेंटीमीटर और यह पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में यह दिया गया है कि डी जो है किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है, तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज किस में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोगों को क्या पता है, क्या ज्ञात है, यह ज्ञात है कि DE जो है वह समांतर है किसके, BC के समांतर है कि नहीं, D समांतर BC के है, ठीक है। जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या कह सकते हैं, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखना, जब भुजा समांतर होगा तो क्या होगा, या त्रिभुज के अन्य दो भुजा को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा, थेल्स प्रमेय से क्या कह सकते हैं, AD बट्टा DB जो होगा वह बराबर होगा किसके, AE बट्टा EC के, यहाँ पर गलती नहीं करना, ऊपर बट्टा नीचे, ऊपरे बट्टा नीचे, उल्टा पुल्टा नहीं करना, सामने सामने पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे बारी बारी से, AD का वैल्यू कितना है हमें पता है, 1.5 सेंटीमीटर बट्टा DB क्या है, 3 सेंटीमीटर बराबर, AE क्या है, और EC नहीं पता है तो जो फाइंड आउट करना उसको छोड़ दिए, क्रॉस क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या आएगा, इसी बराबर 1 को 3 से करेंगे तो 3 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत, ध्यान समझना यहाँ पे, तो इसी बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो 1700 बट्टा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो कितना टाइम्स कट गया, 2 टाइम्स, इसलिए इसी बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर, समझ आया, इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर एक का एक किए, ठीक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दो जो होगा बन जाएगा, तो हम रखते हैं तुम लोगों के लिए, डू योर सेल्फ, खुद से करके देखो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी यही पैटर्न पे बनेगा, वह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, तो पहले बना लेते हैं कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज बनाता है पी क्यू आर, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर ये दोनों भुजा है, पर क्रमशः बिंदु, पर क्रमशः बिंदु E और क्या है F स्थित है, और निम्नलिखित स्थिति दिया गया है, बताइए कि EF लाइन जो ड्रॉ करेंगे वह QR के पैरेलल है या नहीं, अलग अलग केस पे है, तीन को क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तीनों पे चेक करना है, तो हम लोग सबसे पहले एक पर चेक करते हैं। एक में देख दिया गया क्या चीज है कि PE जो है वह दिया हुआ 3.9 सेंटीमीटर, EQ जो है कितना है 3 सेंटीमीटर, PF जो है कितना है 3.6 सेंटीमीटर, और FR जो है वह कितना है 2.4 सेंटीमीटर, है ना। हमें बताना है क्या चीज,
कि EF जो है PR के पैरेलल है कि नहीं, ये दिए गए कंडीशन पे, इस पे चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं मान के क्या चीज, थेल्स प्रमेय से चलते हैं। थेल्स प्रमेय से चलते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से चलते हैं, थेल्स प्रमेय के विलोम से चल के देखते हैं, या हम बारी बारी से निकालते हैं वैल्यू को, जैसे क्या निकालेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि PE बट्टा क्या चेक करेंगे हम लोग, EQ, PE बट्टा EQ क्या देता है, PE का वैल्यू कितना है 3.9 सेंटीमीटर बट्टा EQ का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर 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 कैंसिल, पॉइंट हटाने के लिए 0 दे दिए, पॉइंट कैंसिल, 3 से 3 आए के 30, 3 एकम 3, 3 दिया 9, क्या आ गया 13 बट्टा 10 आया। ठीक है, और क्या निकालेंगे इसी प्रकार हम लोग, और क्या निकालते इधर से, पीएफ बटा एफआर ना, तो पीएफ कितना है 3.6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बटा एफआर कितना है 2.4 सेंटीमीटर, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, कितना बढ़ते कटेगा, 3 से 3 8 24, 3 से 3 1 3, 3 2 6 अभी भी कट रहा है ना, कितना से 4 से 4 2 8, 4 3 12, तो कितना गया 3/2। क्या दोनों का इक्वल रेशियो है, रेशियो इक्वल नहीं ना, नहीं, तो हम क्या कहेंगे, चूंकि क्या कहेंगे, P बट्टा EQ का रेशियो जो है डज नॉट इक्वल टू है किसके, PF बटा FR के, FR के ना है, इक्वल नहीं ना है, नहीं, अतः क्या कहेंगे, इससे यह निष्कर्ष निकलता है क्या कि EF जो है पैरेलल नहीं है किसके, QR के, तो लिखेंगे इसलिए दिए गए मान के लिए, दिए गए मान के लिए EF समांतर नहीं है QR के लिए, नहीं है QR के, EF समांतर नहीं है QR, समझ में आया, समझ में। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन, मतलब अगला वैल्यू भी पुट करके हम चेक कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसका 2 और 3 पर चेक कर लेना, डू योर सेल्फ, खुद से करे, ठीक है, बन जाएगा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, अब थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आकृति 6.8 में यदि दिया गया है कि LM जो है पैरेलल है CB के और LN पैरेलल है CD के, तो सिद्ध कीजिए कि AM बट्टा AB बराबर होगा AN बट्टा AD के। सबसे पहले हम लोग जो आकृति दिया गया है वो आकृति ड्रॉ कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना, आकृति इसी प्रकार का है, बुक में दे चुका है, ए बी सी ये डी है और इसी के पैरेलल एक लाइन जो ड्रॉ किया गया है एन एल है और एम एल है, ये दिया गया है। ठीक है, इस आकृति में जो दिया गया है वो लिख देते हैं, आकृति में दिया गया है कि क्या दिया गया है कि एल एम जो है वह पैरेलल है किसके, सी बी के, और एल एन जो है वह पैरेलल है सी डी। आकृति में दिया गया है एल एम पैरेलल सी डी और एन पैरेलल एल एन पैरेलल सी डी, ये दिया गया है। ठीक है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए,
तो हमें सिद्ध जो करना है वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें एम बट्टा ए बी बराबर है एन बट्टा ए डी के, ना यही बात हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमको प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण के तौर पे कुछ बात तो दिया गया है, वो बात ये दोनों बात है, यहाँ दिया गया है एल एम जो है वो पैरेलल है किसके, सी के। और अच्छा से लिखना चाहोगे तो ट्रायंगल का भी चर्चा कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज किसमें ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि एल एम जो है वह पैरेलल है किसके, सी बी के, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से क्या बात निकलेगा, थेल्स प्रमेय से तो बात निकलेगा ये कि एम बट्टा क्या होगा, एम बी जो होगा वह बराबर होगा एल बट्टा एल सी के, किसके, एलसी के, इक्वेशन मेरा हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार अगर हम चले त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी में, तो क्या देखेंगे इस त्रिभुज में भी क्या देखने को मिलेगा, देख इस त्रिभुज में भी तो दे ही दिया कि एल एन जो है वो पैरेलल किसके, सी डी के, यहाँ भी लगा देंगे हम लोग क्या, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से यहाँ भी क्या कह सकते हैं हम लोग, थेल्स प्रमेय से क्या कहेंगे, एन जो होगा बटा एन डी जो होगा वह बराबर होगा किसके रेशियो के, तो एल बट्टा एल, हाँ सही, एल बट्टा एल, यह मेरा इक्वेशन हो जाएगा। तो समीकरण एक और दो से अगर हम तुलना करते तो क्या पा रहे हैं कि एल बट्टा एल सी जो है इसके बराबर है, यहाँ भी एल बट्टा एल सी इसके बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। लिखेंगे समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या निष्कर्ष निकला कि एम बट्टा जो है एम बी वह बराबर हो जाएगा किसके, एन बट्टा एन डी के, किसके, एन डी के। तो ध्यान से देखना, जब तुलना किए तो हमने पाया कि इसमें नो चेंज, एम आ गया ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं, एन आ गया ना, चेंज किसमें आया, नीचे वाला में, तो चेंज इसी को करना होगा, तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका इनवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, इसको मान लेते इक्वेशन थर्ड लिख देंगे, समीकरण तीन को पलटने पर समीकरण थर्ड को पलटने पर, तो पलट देते हैं तो क्या आ जाएगा, एम बी बट्टा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एम बराबर एन डी बट्टा एन, ठीक है, नीचे वाला को चेंज नहीं करना है, एक अगर जोड़ देंगे तो ऊपर वाला चेंज होगा, दोनों पक्ष में क्या देंगे, कर देंगे एक जोड़ने पर, अब लिख देंगे यहाँ दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जोड़ के देखते हैं क्या, जोड़ते हैं तो क्या देगा, एम बी बट्टा ए एम प्लस वन बराबर एन डी बट्टा एन प्लस वन, एल सी एम क्या देगा, एन देगा, यहाँ से जाएगा एम बी प्लस क्या देगा, एम ए एम है ना, एम बी प्लस ए एम बराबर यहाँ से एल सी एम क्या देगा, एन क्या देगा, एम, यहाँ जाएगा एन डी प्लस ए एम, ध्यान से देखना इस चीज को, तो एम बी और ए एम जोड़ेंगे तो क्या देगा, एम बी और ए एम, एम बी और ए एम जोड़ेंगे तो क्या देगा, ए बी क्या देगा, ए बी बट्टा ए एम ना, ए एम बराबर एन डी प्लस ए एम, तो क्या दे देगा, ए डी, क्या देगा, बट्टा ए एम, इसी को फिर कर देंगे पलट देंगे तो आ जाएगा ना जो प्रूफ करना था, इसे पलटने पर
पलटते हैं तो क्या देगा, एन बट्टा ए बी बराबर एन बट्टा ए बी, यही तो प्रूव करना था ना, प्रूव हो गया, प्रूव करना था। ठीक है चलो आज के इतना है।